सभी ट्रैक मेंटेनर भाई एवं गेटमैन भाई, आप सभी सोचें और विचार करें। आप सबने मिलकर सत्ता हथियाए यूनियनों को जीत दिला देते हैं और इनके पदाधिकारी चुनाव प्रचार करने के लिए हमारे बीच आते हैं और निवेदन करते हैं कि आप सभी हमारे यूनियन को जिताइए, हम आपकी सारी समस्या को दूर करा कर रहेंगे। लेकिन इनके जीत जाने के बाद तेवर ही बदल जाते हैं, झूठी आश्वासन देकर हमारे ट्रैक मेंटेनर साथियों के साथ छल करते हैं। इन यूनियन को सत्ता में रहने के बाद इनसे कुछ सवाल है और आप सभी कर्मचारी इस पर जरूर विचार कीजिए। क्या ट्रैकमैन की समस्या अभी तक कम हुई? इनके जीवन स्तर में सुधार आया? क्या ट्रैक मेंटेनर या गेटमैन के आवास में सुधार आया? क्या नए गैंग हट बनाए गए जहां पर बैठकर लंच किया जा सके? शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था की गई तथा शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त हो पाई? क्या गेटों पर टीवीयू की गणना करते हुए किसी कर्मचारी को आपने देखा? क्या जिन गेटों पर टीवीयू 50,000 से अधिक है वहां 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर लागू हुआ? क्या जिन गेटों पर 500 मीटर के पास आवास नहीं है उस गेट पर साप्ताहिक 2 दिन का विश्राम लागू हुआ? क्या एक कैटेगरी या स्पेशल ग्रेड वाले गेटों पर 8 घंटे की ड्यूटी लागू हुई? क्या प्रत्येक साल मिलने वाली सेफ्टी आइटम्स जैसे जूता, रेनकोट, दस्ताना, टॉर्च, सेल अलाउंस समय अनुसार मिला? क्या प्रमोशन के उचित अवसर मिल पाए? LDC, GDC जैसी भर्ती जितनी आनी चाहिए उतना आया? भाइयों, अगर इनकी नियत ट्रैकमैन की प्रति थोड़ा भी अच्छा रहता तो यह सभी कार्य प्रशासन से आसानी से कराया जा सकता था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अब विचार आपको करना है, इसलिए आप सब एकता का परिचय दें और मिलकर रहें। जो यूनियन इन सभी मुद्दों को उठाकर आपके अधिकारों के लिए लड़े, आपका हक दिलाए, उनका तन मन और धन से साथ दें। आप AIRTU का साथ दें। जय हिंद।